हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पे, और मैं हूँ रेखा। आप सभी को सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स बुक के द्वारा। आज की जो वीडियो है वो हेयर स्पा की थ्योरी के ऊपर है। आप लोगों को हेयर स्पा के बारे में बताया हुआ है, और आज जो है वो मैं आप लोगों को किस तरीके से हेयर स्पा की थ्योरी लिखे, क्योंकि थ्योरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप किसी और कुछ समय के बाद करना चाहेंगे तो हो सकता है भूल भी जाए कुछ चीज़ें, या कि खुद का पार्लर खोलें तो आपको भी लड़कियों को सिखाएंगे, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसके साथ हम बता के सिखाते हैं तो हमें ज़्यादा सामने वाले को सिखा पाते हैं। तो हमारी थ्योरी जो है उस समय बहुत काम करती है, तो इसलिए हमें थ्योरी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जान लेते हैं पहले कि हेयर स्पा क्या है, हेयर स्पा के क्या फ़ायदे हैं, इसके बाद फिर हम इसके स्टेप्स लिखाएंगे। तो चलिए देखिए, हेयर स्पा यानी कि वाटर के द्वारा हेयर को मिलने वाला रिलैक्सेशन, बालों को हेयर स्पा नरिशमेंट, स्मूथनेस जो है, रिफ्रेशमेंट और स्ट्रांगनेस मिलता है बालों को हेयर स्पा से। ये इतने फ़ायदे होते हैं। हेयर स्पा हर प्रकार के हेयर में किया जा सकता है, यानी कि सभी प्रकार के बालों में किया जा सकता है। इस ट्रीटमेंट से हेयर के साथ साथ बॉडी को भी रिलैक्सेशन मिलता है, यानी बॉडी को भी आराम मिलता है। हेयर स्पा के लिए सबसे पहले हेयर के प्रकार और क्वालिटी की जाँच करने के अनुसार ही, यानी कि क्वालिटी को देखने के बाद कि हमारा बाल कैसा है, ड्राई है, नॉर्मल है, ऑयली है, कैसा है, उसी के बाद ही हमें हेयर स्पा करना चाहिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतनी देर में मैंने पढ़ा इसलिए मैंने शो कर दिया, काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है। देखिए पीडीएफ वगैरह मतलब इतना ना हमें काम बढ़ाइए, आप लोग थोड़ा सा खुद भी समझिए कि यहाँ पर आप लिख लीजिए पूरा। मैं बोलती हूँ, जब मैं ये बोल रही हूँ तब आप यहाँ पर स्क्रीन को रोक कर लिख सकती हैं, ठीक है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, कभी कभी तो मैं भूल भी जाती हूँ चीज़ें कि हाँ किसी को मैंने ये चीज़ बोली है कि हाँ इनको ये चीज़ें देनी है, कोई बोलता है मैम इसको पीडीएफ बना के भेज दीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाती है जिस वजह से टाइम नहीं मिलता। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश ये किया कि जब थ्योरी हम लिखवा रहे हैं, अभी पढ़ के बता रहे हैं, तभी आप लिख लिया करिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया कि क्वालिटी को जाँच करके ही करके उसके अनुसार ही जो है हेयर स्पा करना चाहिए, इतना है यहाँ पे। अब हम चलिए आपको ये दिखाते हैं कि हेयर स्पा कैसे किया जाता है, फिर उसके स्टेप्स दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेयर स्पा करने का तरीका। हेयर स्पा के शैम्पू से हेयर वॉश करना चाहिए। अगर आपके पास ये वाला शैम्पू नहीं है तो आप कोई भी शैम्पू ले सकती हैं। इसके बाद हेयर को ऊपर ले जाकर टॉवल में बांधने चाहिए, यानी कि अपने तौलिए से पूरे बाल को उठाकर क्लच करने के बाद तौलिए उसमें लपेट लेने जाए, ताकि जो बाल एक्स्ट्रा जो पानी एक्स्ट्रा हो उसमें बालों में वो निकल जाए, क्योंकि वो नीचे जैसे नहीं गिरना चाहिए, बाल नीचे नहीं, पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए बार बार, वो ठीक नहीं होता। तो जैसा कि इसमें है ऊपर, उसके बाद टॉवल में बांधने चाहिए। और जो इस तरीके से करने से क्या होता है कि आपके बाल जब आप टॉवल लपेट लेंगे अपने बालों में, तो पानी जो चूता है वो नहीं चूएगा बालों से, ठीक है। तो इसलिए ये करना है। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए 5 से 7 मिनट बैक मसाज करना चाहिए, यानी पीठ पे आपको मसाज दे देनी है शोल्डर पे। इससे जो भी कराता है उसको काफ़ी आराम मिलता है। फिर आप हेड मसाज दीजिए, उसके बाद जो है हाँ, उसके बाद फिर हमें टॉवल हटाकर हेयर को स्ट्रेट कॉम्ब कर हेयर के 4 पार्ट करने चाहिए। फिर हमें अपना आगे का प्रोसेस करना चाहिए। हेयर के प्रकार के अनुसार क्रीम लेकर उसमें आवश्यक इम्प्यूल मिक्स करना चाहिए, उसे ब्रश की मदद से स्कैल्प में लगाना चाहिए। इसके बाद हेयर को नरिश करने के लिए सारे हेयर में नरिशिंग क्रीम लगाना चाहिए। फिर उसे फिंगर की मदद से इमल्सीफ्लाई करना चाहिए, ठीक है। फिर जो है मसाज का टाइम 10 से 15 मिनट करना चाहिए। इसके बाद हेयर में 5 से 7 मिनट ओजोन स्टीम देनी चाहिए, ठीक है। आपके पास ओजोन स्टीम नहीं है तो आप पानी को गर्म करके तौलिया उसमें डालकर उसको निचोड़ के उसके रख सकती हैं, उससे भी आपको स्टीम मिल जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। इसके बाद यहाँ पे रूखे बालों में स्टीम नहीं देनी चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज है, रूखे हैं, तो आप उसमें स्टीम मत दीजिए, क्योंकि उसमें मॉइस्चर और बहुत कम है। आप स्टीम देकर उसके मॉइस्चर को और कम कर देंगे। ओजोन स्टीम देने के बाद 5 से 7 मिनट बाद नॉर्मल
वाटर से हेयर को वॉश करना चाहिए, यानी कि गर्म से ठंडा हमें नॉर्मल होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और जब हम नॉर्मल हो जाए तभी हमें जो है वॉश करना चाहिए, गर्म में वॉश नहीं करना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए बाल तो फिर उसके बाद हमें वॉश करना चाहिए, नॉर्मल पानी से करना। हेयर को टॉवल ड्राई करना चाहिए, यानी टॉवल से ही पानी को हटाना चाहिए, डायरेक्ट उसके ऊपर जो है आपको ड्रायर नहीं लगाना है। जब काफ़ी हद तक पानी उसमें से निकल जाए तो भी आपको नॉर्मल ड्रायर ही यूज करना है यहाँ पे। तो हीट यहाँ पे हेयर को टॉवल ड्राई करना चाहिए और नॉर्मल हीट पर ही ड्रायर करना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर ही आपको ड्रायर करना है। उसके बाद है ये नहीं कि जल्दी सूख नहीं रहा तो हम जल्दी उसको तेज कर दें, इससे उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद हेयर सीरम लगाना चाहिए, जो कि गीले बालों में लगाना है आपको, जैसे कि आप टॉवल ड्राई कर लेते हैं तो उसके बाद लगा लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया करने का तरीका। अब आता है कौन से मसाज स्टेप्स जो है वो हम आपको लिखाते हैं। यहाँ से है ये देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ है आपको ऑयल मसाज और हेयर स्पा मसाज। जो ऑयल जब हम लगा के मसाज करते हैं या क्रीम लगा के, तो दोनों मसाज के जो स्टेप्स हैं वो दोनों सेम ही हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है, सभी फिंगर से मसाज करना चाहिए नंबर वन है, और नंबर टू है थंब और यानी अंगूठे और फिंगर से यानी उंगलियों से क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज मसाज करना चाहिए। सिर में प्रेशर देना चाहिए और ढीला छोड़ना चाहिए, इस प्रक्रिया का पुनरावर्तन करना चाहिए। मांग बनाकर पिंचिंग मसाज करना चाहिए, दोनों हाथों को मिलाकर फिंगर से टेम्पिंग करनी चाहिए। मांग बनाकर थोड़े थोड़े हेयर लेकर फिंगर में गोलाकार लपेट कर प्रेस करके खींचना चाहिए, जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है, सारे स्टेप्स बताए हुए हैं, बस बोलने के कुछ तरीके अलग हो जाते हैं। थंब से क्रिस क्रॉस मसाज, दोनों हाथ खड़े करके फिंगर्स से थपथपाना चाहिए। ईयर के पीछे ऑसिपिटल बोन पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना चाहिए। पीछे वाले हेयर को फिंगर में भर कर पाम से रफ करना चाहिए। शोल्डर पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना चाहिए। बटरफ्लाई स्ट्रोक की तरह फिंगर रखकर बैक पीठ पर मसाज करना चाहिए, बैक पीठ पर वाइब्रेशन मसाज करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकती हैं ये सारे कुछ स्टेप्स जो बैक के हैं वो सभी अभी हैं, जब मेरी स्टूडेंट आ जाती हैं तो ही हम जल्दी से आपको ये चीज़ें बना के आपको इस पर वीडियो भेजेंगे। इसके बाद ही वीडियो हो सकता है चाहे, या कि एक दो वीडियोस के बाद, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगभग मैंने लिखा दिया हुआ है, तो जो है आप जो है इसका सभी का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। आप वीडियोस को जब हम पढ़ते रहते तो वहाँ पे आप रोक दीजिए, लिख लीजिए फिर उसके बाद सुन लीजिए, तो इस तरीके से आप लिख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लिखते चलिए, ऐसा नहीं कि आप लोग सोचिए मैं पीडीएफ भेज दूंगी तो आप लोग नहीं लिखेंगे, मोबाइल में रहेगा। देखिए मोबाइल का कुछ नहीं भरोसा रहता, कब गिर जाए, कब टूट जाए, कब क्या हो जाए, कब कहाँ खो जाए, कैसे हो जाए, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में।